जय हिंद। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ असम राइफल रिक्रूटमेंट भर्ती 2021 के बारे में, जो हम बताएंगे सिलचर ग्राउंड के बारे में कि ग्राउंड कैसा है और वहाँ पर कितने लड़के वो पास कर रहे हैं, कैसा है कि कैसा ग्राउंड है, फिजिकल और ट्रेड और रिटर्न का भी एक मैं आपको बड़ी सूचना देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए असम राइफल रिक्रूटमेंट भर्ती 2021 सिलचर ग्राउंड के बारे में बताते हैं। तो ये ग्राउंड गोल नहीं है, पहली बात तो ये मोस्ट है कि ग्राउंड गोल नहीं है। आपको रोड पर दौड़ाया जाएगा, रोड के ऊपर आपको 3 किलोमीटर जाना है और 2 किलोमीटर वापस आना है। ठीक है, वहाँ पर आपको 5 किलोमीटर की दौड़ है, वो 24 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, 24 मिनट देने के बाद में आपको दौड़ होने के बाद में जो छात्र फिजिकल पास करेंगे उनके बाद में अगले दिन उनका ट्रेड टेस्ट है। ठीक है, ट्रेड में आपको जैसे ट्रेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे कुक से हैं तो खाने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगले दिन आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होने के बाद में आपका अगले ही दिन, ये एक मैं न्यूज़ आपको बता रहा हूँ और ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अगले ही दिन आपका रिटर्न टेस्ट होगा। कई छात्र जाते हैं कि हम फिजिकल देकर आ जाएंगे, ट्रेड देकर आ जाएंगे, पर रिटर्न की एग्ज़ाम नहीं तैयारी करके जाएंगे। तो ये आपके लिए मैं बता दूं कि यानी कि आपकी रिटर्न एग्ज़ाम वहीं पर है अगले ही दिन। आपको तो सब काम करके ही भेजा जाएगा असम राइफल की तरफ से, और उसके बाद में जो मेरिट छुटेगी आपको पता चल जाएगा, घर पर आ जाएंगे और घर पर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा जो पास हो जाएगा। ठीक है, यही तो ये मैं रिटर्न एग्ज़ाम की आपको बहुत ही बड़ी अपडेट देना चाहता था। और रिटर्न एग्ज़ाम में आपको मैं सिलेबस बता देता हूँ, 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें और आपकी ट्रेड से रिलेटेड 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 20 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड आएंगे और आपका जीके है, रीजनिंग है, मैथ, ये तो आएंगे ही आएंगे। चलिए ठीक है, और ऐसे ही वीडियो की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर दें कि हमें उससे रिलेटेड कुछ और भी चाहिए या डॉक्यूमेंट के बारे में एक वीडियो बना देंगे हम, तो आप बता देना कमेंट कर देना। चलिए दोस्तों, जय हिंद।